बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हब। क्या हाल है व्यूअर्स, ठीक ठाक हैं? व्यूअर्स, आज रेमेडी मैं लेकर आई हूँ, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। आज मैं आपके लिए एक बड़ी अच्छी क्रीम लेकर आई हूँ। आजकल कुछ हालात बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड से जा रहे हैं, पूरी दुनिया में काफ़ी डिस्टर्ब हालात हो गए हैं, कुछ मौसम भी चेंज हो रहा है जिसकी वजह से स्किन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। जी बस आजकल मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, बहुत ज़्यादा रुखी फीकी सी हो जाती है। तो उस वाले से मैं आज जो क्रीम लेकर आई, बहुत ज़बरदस्त क्रीम है। आज मैं आपको राइस क्रीम बनाना बताऊँगी, ठीक है? बस राइस क्रीम जो है, ये जो कि आपको पता है कि राइस जो होते हैं ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा गोरा चटक करते हैं, हमारी स्किन को शफाफ करते हैं। आपने कोरियन स्टाइलिस्ट की स्किन देखी है, ठीक है? उनकी ग्लॉसी स्किन होती है, और ग्लॉसी स्किन जो है वो राइस क्रीम से बहुत ज़्यादा आपको मिलती है। आप कोई भी कोरियन मेड क्रीम लेंगे, उसमें देखेंगे उसमें राइस वाटर, राइस क्रीम जरूर ऐड की होगी, यानी राइस का उसमें टच जरूर होता है। और वो राइस टोनर हो, राइस क्रीम हो, या फिर राइस फेस वॉश हो, उसमें राइस का जरूर ऐड होता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन ग्लॉसी और बड़ी खूबसूरत सी शाइनी चमकदार सी होती है। सो मैं आपके लिए उसी हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त क्रीम लेकर आई हूँ। आप एक दफ़ा इसको घर में बना के अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको खुद मज़ा आएगा ये क्रीम यूज़ करके। ये बहुत ज़बरदस्त क्रीम है। ये क्रीम जो है ये आपकी स्किन को निखारेगी, आपकी जो टू टोन में स्किन होगी उसको इक्वल टोन में करेगी, उसको मेंटेन करेगी, लटकी हुई जो ये थोड़ी सी स्किन को टाइट करेगी, यानी जो लटकी हुई स्किन है उसको भी टाइट करेगी, फाइन लाइंस रिंकल को डल करेगी। और आजकल जो लोग केमिकल बेस पे बाजारी क्रीम यूज़ करते हैं वो यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन जो केमिकल्स होते हैं वो स्किन को काफ़ी ख़राब कर देते हैं। छोड़ने के बाद अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी स्किन, हमारा कलर वक्ती तौर पर फेयर हुआ, लेकिन बाद में फिर वही कलर जो है दोबारा आ गया या ख़राब हो गया, या उसके ऊपर पैचेस बन गए हैं या स्पॉट्स बन गए हैं। तो इस क्रीम को लगाने से आपका वो मसला भी हल हो जाएगा, जिन लोगों को वो मसला है वो उनका दूर हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर राइस फ्लोर है, ये मैंने इस ब्रांड के कंपनी वालों का लिया है, फजवेल का। आप किसी भी ब्रांड का राइस फ्लोर लीजिए, अगर नहीं है तो आप घर में थोड़ी सी चावल लेके उनको भिगो के, और फिर उनको जब ड्राई हो जाते तो उनको ग्राइंड कर लीजिए। बहुत ईजी और आसान, सस्ते बजट में बनने वाली ये क्रीम है। ये चावल है मेरे पास, ठीक है? इसके बाद मेरे पास है एलोवेरा जेल, बस थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली, ये ऑप्शन है। आज के चौके वेदर चेंज हो रहा है, तो अगर आप समर में, गर्मियाँ आ रही समर में इसको ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर टू टाइप के ऑयल्स हैं, यानी रोगने बादाम आलमंड ऑयल, लेमन एसेंशियल ऑयल, और थर्ड में मेरे पास थोड़ा सा स्किन शाइनर है, ये भी ऑप्शनल है, डालना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज इसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं है। बस तो सबसे पहले मैं इसमें 1.5 डालूंगी राइस फ्लोर। आप क्वांटिटी अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली, उसके बाद इसमें मैं 1 चम्मच भर के डालूंगी एलोवेरा जेल। यस, एलोवेरा जेल के लिए अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि अगर ये यूज़ करते हैं तो इससे कलर चेंज होता है, और अगर इसको छोड़ दें तो कलर जो है डल होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलोवेरा जेल जैसी कोई चीज़ भी हमारी स्किन के ऊपर जितना अच्छा ये इफेक्ट करती है, आई थिंक कोई चीज़ भी इतना अच्छा इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि एलोवेरा जेल जो है ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा निखारती है, हमारी स्किन को सॉफ्ट रखती है, स्मूथ रखती है, हमारी स्किन की अंदर तक जो है वो ये रिपेयरिंग करती है, हमारी स्किन को शाइन देती है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट में मेरे पास है यहाँ पर रोगने बादाम यानी आलमंड ऑयल, 1/2 चम्मच मुझे ये चाहिए। पर चंद ड्रॉप में डालूंगी लेमन एसेंशियल ऑयल, इसकी मुझे चंद बूंदे चाहिए। सॉफ्ट ऑयल का स्किन शाइनर में ऐड करूंगी। जी वह सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, अब मैं सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। जी बस देखिए हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है। ये देखिए मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से मिक्स किया। अब मैं इसको आपको थोड़ी सी निकाल के अपने हैंड पे अप्लाई करके बताती हूँ। बस इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको मॉर्निंग में यूज करें तो ज्यादा बेटर है। आप इसको इस तरह बना के, जैसे मैंने आपको बताया है, इस तरह आप इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ले और उसको अपने हैंड पे या फेस के ऊपर हल्के से इस तरह लगाए, और इसको हल्के से इस तरह आपने थोड़ा सा रब करना। मसाज करने से आपका योगा के सारी क्रीम ऑयल जो है वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्व हो जाएंगे, इसकी वजह से ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, ठीक है जी। इस तरह आपने इसका लगाना है, और तकरीबन आपने इसको थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद आपने वॉश कर लेना है। जी बस मैं आपको वॉश के दिखाती हूँ। जी बस मैंने अपने हैंड को वॉश कर दिया, देखिए रिजल्ट आपके सामने है, मेरा हाथ किस कदर ग्लॉसी चमकदार खूबसूरत हो गया है।
ये बहुत ही जबरदस्त क्रीम है, बहुत बेनिफिशियल क्रीम है। आपने इसको बनाना है, अप्लाई करना है और मुझे बताना है कमेंट करके कि आपको ये कैसी लगी है। आपकी स्किन इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स और 3 वीक्स में आपकी स्किन जो है वो कोरियन स्किन की तरह हो जाएगी, ग्लॉसी और खूबसूरत सी। आपकी स्किन बहुत अच्छे तरीके से शाइन करने लगेगी। ठीक है जी, बस तो मेरी आज की रेमेडी यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी और डिफरेंट रेमेडी के साथ फिर आऊंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।